चलो सर, आप ये बताइए आप कहाँ आए हैं? सर इस टाइम हम इसेर जगास जो पंचायत है और ये नीचे से जो ये पब्याणा जो जगह है वहाँ से काफ़ी दूर है, कोई 6-7 किलोमीटर है। किसी ने हमें बताया था कि ये सिर्फ 3-4 किलोमीटर है, लेकिन जब हम चढ़ते गए तो ये मुझे लगता है कि 7-8 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। और ये भी हो सकता है शायद, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे आए तो शायद हमें डिस्टेंस कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आए हमें रास्ता बहुत अच्छा मिला। और यहाँ पे बरसात में एक JCB भी आई थी, उसने रास्ता बहुत क्लियर किया। और जहाँ पे ये ग्राउंड है, मैंने सुना था पहले कि भी यहाँ पे अप्रैल के महीने में एक विशु का मेला लगता है, और जहाँ तक मुझे आइडिया कि जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और शिमला में इस तरह की जो हाइट की जो जगह है काफ़ी प्लेन होती है, और हमारे एरिया में भी इस तरह की काफ़ी जगह है, और ऐसी जगह में हमेशा जो अप्रैल का महीना है वहाँ पे जो है ना विशु के जो मेले हैं उसका जो आयोजन किया जाता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है कि अप्रैल के महीने में कुछ गर्मी भी हो जाती है और ऋतुराज में यहाँ पे लोगों का आना जो है ना, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपके कढ़ाई जो आपने देखी, और ये एक जो कढ़ाई है, और यहाँ पे एक जो मंदिर है भगवती माता का मंदिर है, और इसके साथ एक कैंथ का वृक्ष है, और इस कैंथ के वृक्ष को भी एक देव का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ देवता की और देवी देवताओं की कुछ यहाँ पे ये जो ध्वजा ये लगी हुई है, तो इसे सिद्ध होता है कि ये भी एक इसकी भी लोग पूजा करते हैं, तो वृक्ष अपने यहाँ पे ये प्रोटेक्ट हो रहा है, और इसमें कैंथ के जो है वो फल भी लगे हुए हैं। और ये हम सामने आपने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, काफ़ी बड़ी बड़ी कढ़ाई है, तो अप्रैल के महीने में मुझे लगता है कि जब लोग यहाँ पे पूजा करने या आराधना करने आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी भोग बनता है, मेरे ख्याल में यहाँ पे भोग बनाता है, और थोड़ी डैमेज से कढ़ाई यहाँ रखी गई है, लेकिन अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैलिक है, उसको देख के बहुत अच्छा लगा सर। और ये पैराग्लाइडिंग का स्पॉट डेवलप हो रहा है, और ये पैराग्लाइडिंग का स्पॉट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो फरवरी के महीने में मैंने ये अमर उजाला में ये पढ़ा था ये न्यूज़ कि पब्याणा के ऊपर एक शेर जगास पंचायत में एक जगह है और उसको एक पैराग्लाइडिंग जो स्पॉट है उसके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी और बहुत ही उपयुक्त जगह ये पे यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा चुनी गई है, और ये जगह बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि भी यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड और जो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और सड़क से कैसा लग रहा है, कि सड़क कैसी बना है? और सड़क बड़ी अच्छी बन रही है, और हमने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि भी ये इस तरह का जो रोड है यहाँ पे हो सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि भी एक तो ये सारी गवर्नमेंट की लैंड है और टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास कोई लिमिटेशन नहीं थी, और उन्होंने काफ़ी खुला ये रोड बना रखा है, और आने वाले मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट जो है ना वो काफ़ी यहाँ पे आया करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू।